इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्या? क्या सिद्ध होगा? मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की गुड प्रैक्टिसेस आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं, मैं अमूल की बात करना चाहता हूं। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि से हुआ था। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फर्जियात रूप से अपना सारा दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ खेड़ा जिले के अंदर। सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को कहा कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक दूध का आंदोलन, ये इसके खिलाफ आंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहां एक शुरुआत हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन भाई पटेल ने दो प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया जिसमें 80 किसान जुड़े हुए, सिर्फ 80 किसान। और वो अमूल आज कहां है? 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 21,000 करोड़ को पार कर गया है मित्र, 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपीस उसको पार कर गए। एक दिन में लगभग 30 मिलियन दूध का प्रबंधन ये हमारा कोऑपरेटिव संस्थान करता है। इसके अंदर 36 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं और विशेषकर महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया है। मैंने तो गांव में देखा है गुजरात में, शनिवार को जब महिला के हाथ में अपना चेक आता है या कैश आती है, इसके चेहरे पर हर्ष देखकर मन को बहुत अंदर तक शांति होती। 36 लाख किसान परिवारों को अमूल आज अपने साथ जुड़ा है। 18 जिलों का ये फेडरेशन है, 87 से ज्यादा डेयरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं और उसकी प्रबंधन क्षमता 39 मिलियन तक की प्रबंधन क्षमता आज बनाई। इंस्टॉल कैपेसिटी 39 मिलियन टन दूध को प्रोसेस करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़ी कॉरपोरेट डेयरी जो नहीं कर सकती, ये हमारे अमूल ने कर दिखाया है। और मैं मानता हूं यही उदाहरण लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। लिज्जत पापड़ बहुत कम लोगों को यहां पर भी मालूम होगा, लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव 1959 में जसवंतीबेन पोपट नाम की एक गुजराती महिला साहसिक ने 80 बहनों को साथ में रखकर एक कोऑपरेटिव बनाकर पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। 2019 में उनका कारोबार 1600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है और 80 करोड़ निर्यात करती है। 45,000 महिलाएं लिज्जत के कोऑपरेटिव आंदोलन से जुड़ी है और ये सक्सेस स्टोरी देश भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अमूल और लिज्जत दोनों आज सफल है तो देश की महिलाओं का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, दूध भरने में भी और पापड़ बनाने भी। इफ्को जो आज हमारे यजमान है, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, एमडी अवस्थी भी बैठे हैं, इफ्को ने इस देश की हरित क्रांति को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कोऑपरेटिव के साथ एक स्पेसिफाई सोसाइटी बनी और वो बढ़ते 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 आज 36,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव को मेंबर बनाकर लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उसका लाभांश पहुंचाती। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी अगर कुछ कमाएगी तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा इसके मालिक के पास जाएगा और इसको जो कुछ भी कमाएगी इसका पाई पाई ये 5.5 करोड़ किसानों के घर में जाए। इसी को कोऑपरेटिव। आज इफ्को ने लगभग देश के उर्वरक की पूरी जिम्मेदारी 2-3 और कोऑपरेटिव को साथ में लगकर उठाई और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा चेयरमैन साहब और एमडी जी का, अवस्थी का, कि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतार कर बहुत बड़ा काम किया। और इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से ही आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि उर्वरक खाद इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा उर्वरक हमारे देश में भी बढ़े। इसी तरह से क्रिप्को भी लगभग 9,500 समितियों का बना हुआ एक संघ है
उसकी मूड़ी शेयरप्रदत्त मूड़ी लगभग 388 करोड़ है, शेयर धारकों को एक साल में 2118 करोड़ रुपए का लाभांश क्रिप्को ने दिया है, आप इससे कल्पना करिए। ये सब सक्सेस स्टोरी है, और इतना ही नहीं है, बहुत लंबी सूची है। नेफेड है, मैं मणिपुर गया था, रेणु हथकरघा हस्तशिल्प 75 साल से एक लय के साथ वो कॉपरेटिव में अपना योगदान करता है। 1925 से चलती हुई उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति केरल, थोटा मारता सहकारी संघ द्रावणगिरी कर्नाटक, कोझिकोड जिला सहकारी हॉस्पिटल, ढेर सारी चीजें जिन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से कैसे छोटे छोटे लोगों से पूंजी इकट्ठा कर देश के अर्थतंत्र और देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, और सभी मुनाफा वो छोटे छोटे निवेशकों के घर में कैसे जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। मगर आज लगभग सारे संस्थानों के कर्ता धर्ता यहीं पर है, प्रबंध निदेशक है, चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने काफी कुछ करना बाकी है। क्या बीज संस्करण में हमारी ये सफल कोऑपरेटिव अपना योगदान नहीं दे सकती है क्या? अच्छे बीज क्यों विदेश से लाने पड़ेंगे? बीज के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं क्या? कोई कोऑपरेटिव चैलेंज एक्सेप्ट कर किसानों की उपज को निर्यात करने का ट्रेडिंग हाउस नहीं बन सकती है क्या, जिसके माध्यम से छोटी छोटी मंडियां अपनी उपजों को विदेश में एक्सपोर्ट कर सके? निश्चित बन सकती है। फूड प्रोसेसिंग का दुनिया भर में पूरा बाजार पड़ा है, छोटा किसान नहीं कर पाएगा, और किसी को रुचि भी नहीं है, और करेगा तो भी किसान तो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर ये हमारे सफल कोऑपरेटिव एक एक क्षेत्र को पकड़कर एक्सपांशन का काम करे तो मुझे विश्वास है कि 5 साल के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां कोऑपरेटिव की पैठ नहीं होगी। और सहकारिता मंत्रालय इसीलिए बनाया है, कोऑपरेटिव को मजबूत करना है, कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ाना है, कोऑपरेटिव के अंदर पारदर्शिता लानी है, कोऑपरेटिव संस्थाओं को मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है, और ये स्पर्धा में टिक जाए, इस प्रकार की स्पर्धा में टिकने वाली सफल कोऑपरेटिव बनाना है। ये सारी चीजों को करने के लिए ही हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, आप सब लोग कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मगर जब तक जामवन ने हनुमान जी को नहीं कहा कि हनुमान जी आप रामेश्वरम से लंका तक समुद्र लांग सकते हो, उनको विश्वास नहीं था। जब जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो, समुद्र तुम लांग सकते हो, हनुमान जी ने कूदका लगाया और समुद्र लांग गए। मैं आपको क्या बताऊंगा कोऑपरेटिव क्या है, आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी कोऑपरेटर है, परंतु मैं आज कुछ चीजें इसलिए बताना चाहता हूं जिससे हमारी स्ट्रेंथ का हमें परिचय हो। मित्रों, लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी कोई न कोई कोऑपरेटिव संस्था काम करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके 51% गांव में कोऑपरेटिव की उपस्थिति। सहकारी समितियों की संख्या 8,55,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं। लगभग क्रेडिट सहकारी समितियां 8.5 लाख से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऋण न देने वाली सहकारी समितियां 7 लाख से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ 17 से ज्यादा है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है। जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है। और लगभग 95,000 में से 63,000 पैक्स काम कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखें तो हर 10वें गांव पर एक पैक्स है। मैं आगे बताऊंगा कि संतोषजनक स्थिति नहीं है, मगर हर 10वें गांव में एक पैक्स होना दुनिया के सहकारिता के आंकड़ों का जब अभ्यास करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पैक्स ही माध्यम है किसान का कल्याण करने का। ये पैक्स ही माध्यम है सरकार
जो कम ऋण से लोन भेजती है किसान के लिए, ऋण का पैसा भेजती है, उसको पारदर्शी तरीके से उसके साथ पहुंचाने का, ये पैक्सी माध्यम है उसको खेती के लिए उपयोगी चीजों को पहुंचाने का। ये पैक्स को मजबूत करना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। मैं अंत में पैक्स पर बात करूंगा और प्रतिशत योगदान अगर मैं बताना चाहूं तो कृषि ऋण वितरण का 29% वो कोऑपरेटिव व्यवस्था से जाता है। उर्वरक वितरण 35% कोऑपरेटिव करता है। उर्वरक का उत्पादन, खाद का उत्पादन वो भी लगभग 30% करता है। चीनी का उत्पादन, देश की कुल चीनी की लागत का उत्पादन 31% कोऑपरेटिव चीनी मिले करती है। टकलीस पिंडल 29%, दूध की खरीदी और उत्पादन 20%, गेहूं की खरीदी 13% कोऑपरेटिव करती है, धान की खरीदी 20% करती है और मछुआरा के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव का योगदान 21% है। मैं इसलिए आंकड़े कहता हूं मित्रों कि एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पर आज हम खड़े हैं। अब समय आ गया है कि नए लक्ष्य तय करना और नए लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ना। ये प्लेटफॉर्म जो हमारे पुरखों ने, भारत के कोऑपरेटिव आंदोलन के पुरखों ने हमें दिया है, वो प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत बहुमंजिला इमारत बनाने का काम यहां हॉल में बैठे हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी सहकारी कार्यकर्ता, और इसीलिए मोदी जी ने ये सहकारिता आंदोलन का गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना की। हमारी सफलता चार ही चीजों पर निर्भर हो सकती है, संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना। ये चार मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपने कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारी का मंत्रालय बनाया है उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की। और इसका एक स्वदेशी यंत्रणा बनाने की जिम्मेदारी भी सहकारिता मंत्रालय ने। मित्रों, कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन लाया है। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपया कृषि का। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करी। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा MSP तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया, 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट DBT से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चला है, 10,000 नए FPO बनाए गए हैं, लगभग 6,865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है। ई नाम